क्यों दिया था सीता जी ने नदी, गाय, पंडित और कौए को श्राप। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज दशरथ के द्वारा दिया गया 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तब श्री राम और लक्ष्मण के पिता राजा दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी। उसी दौरान पितृपक्ष चल रहा था और श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे ही करना था। इसलिए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी गया की फल्गु नदी के किनारे पहुँचे। तब श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री लाने के लिए पूछा और श्री राम ने लक्ष्मण जी को पास के गांव में जाकर पूजा की सारी सामग्री लाने के लिए बोल दिया। जब काफ़ी समय तक लक्ष्मण जी नहीं लौटे और पंडित जी बार बार कह रहे थे कि जल्दी कीजिए, पूजा का समय निकला जा रहा है, तब खुद श्री राम ने जाकर लक्ष्मण जी का पता करने का निर्णय किया और श्री राम जी वहां से लक्ष्मण जी का पता लगाने के लिए निकल गए। धीरे धीरे शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी की चिंता भी बढ़ रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण जी वापस नहीं लौटे थे। तब देवी सीता ने यह निर्णय लिया कि उनके पास जो भी पूजा सामग्री है वह उनसे ही स्वयं पूजा करेंगी और उन्होंने पंडित जी से कहा कि श्री राम और लक्ष्मण जी को लौटने में थोड़ी देर लग रही है, इसलिए वह पूजा आरंभ करे, शायद तब तक श्री राम और लक्ष्मण जी वापस आ जाएं। अगर वे समय से नहीं लौटे तो वह अकेले ही यह पूजा समाप्त कर लेगी। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद अंत में देवी सीता ने पिंडदान किया और जैसे ही देवी सीता ने प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद की, तो उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई है। ऐसा सुनकर देवी सीता को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उनकी पूजा सफल हो गई थी और राजा दशरथ ने उनकी पूजा को स्वीकार भी कर लिया था। देवी सीता इस बात को अच्छी तरह से जानती थीं कि श्री राम और लक्ष्मण जी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पिंडदान बिना पुत्रों के पूरा नहीं होता। तब सीता जी ने फल्गु नदी, वहाँ उपस्थित गाय, बट वृक्ष, कौए और तुलसी के पौधे और साथ में पंडित जी को इस बात का साक्षी बनने को कहा। जब श्री राम और लक्ष्मण जी वापस आए तब माँ सीता ने श्री राम को सब बात बताई, लेकिन श्री राम ने सीता जी की बात नहीं मानी। तब सीता जी ने सभी साक्षियों से अनुरोध किया कि वह श्री राम जी को सारी सच्चाई बताएं और उनकी गवाही दें, लेकिन श्री राम के क्रोध को देखकर किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। केवल वट वृक्ष ने ही हिम्मत करके श्री राम को सारी सच्चाई बताई। इस बात से देवी सीता बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने वट वृक्ष को छोड़कर सभी को श्राप दिया। उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रह जाएगी, उसका पानी एकदम सूख जाएगा। यही कारण है कि आज भी यह नदी पानी न होने के कारण सूखी पड़ी है। उसके बाद सीता जी ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी, हिंदू धर्म में केवल उनके पिछले हिस्से को ही पूजा जाएगा। साथ ही सीता जी ने गाय को यहाँ वहाँ भटकने का भी श्राप दिया। सीता माता ने पंडित जी को कभी संतुष्ट न रहने का श्राप दिया। यही कारण है कि पंडित दान दक्षिणा के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। सीता जी ने तुलसी को श्राप दिया कि वह गया जी की मिट्टी में नहीं उगेगी और उसके बाद सीता जी ने कौए को लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। अब क्योंकि वट वृक्ष ने श्री राम को सारी सच्चाई बताई थी, इसलिए सीता जी ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में वट वृक्ष की उपस्थिति जरूर होगी। साथ ही सीता जी ने वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का आशीर्वाद प्रदान किया और कहा कि भविष्य में पतिव्रता स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। इसी प्रकार की अन्य व्रत
एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।